अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एरिज़ोन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। एरिज़ोन इंजेक्शन में जो मेन साल्ट या मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है उसका नाम है सेफ्ट्राइएक्सोन। सेफ्ट्राइएक्सोन एक थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी नमूनिया और ब्रोंकाइटिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन को ओटाइटिस मीडिया यानी अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए भी सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको पेट का कोई इन्फेक्शन हो जाए यानी अगर आपको टाइफाइड हो जाए या हेजा हो जाए या डायरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इन तमाम इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन को यूटीआई का इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। यूटीआई का इन्फेक्शन से मुराद अगर आपको पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी क्लैमीडिया, गनोरिया और सिफिलिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन को मेनिनजाइटिस यानी अगर आपको दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए भी सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन को हड्डियों और जोड़ों में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन को सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे मुराद है कि अगर आपका कोई ऑपरेशन या सर्जरी होने वाली है तो उस सर्जरी के दौरान होने वाले इन्फेक्शन से बचाव के लिए भी सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन को लगाया जाता है। सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन IM और IV दोनों सूरतों में अवेलेबल होता है। ये IV यानी वेन में भी लगाया जाता है, इसके अलावा ये मसल में भी लगाया जाता है। सेफ्ट्राइएक्सोन के अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो इससे अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है यानी अगर आपको इस सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन से एलर्जी है तो आप इस मेडिसन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ये इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। इसके साथ साथ अगर सेफ्ट्राइएक्सोन के साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इससे आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है।